हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, इरेडा का शेयर लगातार भाग रहा है क्योंकि क्वार्टर थ्री के रिजल्ट अच्छे आए हैं और मैंने आपको बताया कि इरेडा में दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं और एक नई जो बड़ी खबर आने की एक्सपेक्टेशन है वो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। एक तो इरेडा नवरत्न कंपनी बन जाएगा जल्दी ही, जो कि अभी मिनी रत्न है, और कंपनी का जो ओवरऑल सूर्योदय जो योजना है प्रधानमंत्री जी की, उसके कारण भी इनका बिजनेस बढ़ने वाला है। और एक नई धमाकेदार न्यूज़ ये है कि जल्दी ही इरेडा का शेयर हमें MSCI इंडेक्स में ऐड होते हुए दिखेगा। MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में जल्दी ही इरेडा के शेयर को ऐड किया जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? इरेडा में FII का जो बाइंग है ज़बरदस्त बढ़ जाएगा, होल्डिंग बढ़ जाएगा, उसके कारण इरेडा का शेयर रॉकेट बनेगा। तो इसीलिए ये बड़ी न्यूज़ है और उसके कारण आने वाले दिनों में इरेडा के शेयर में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर आपके पास होल्डिंग है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रह सकते हो फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए इरेडा के शेयर के पास, आप जानते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा काम है और इसमें इनके पास लोन बुक भी काफ़ी स्ट्रांग है, और अभी जो तीनों चारों अनाउंसमेंट है उसके कारण शेयर में और भी हलचल हो सकती है, बजट में भी कोई बड़ा धमाका हो सकता है। और MSCI इंडेक्स में इसका शामिल होने का जो है उसके बारे में जो प्रिडिक्शन किया है, भविष्यवाणी की है नुवामा ब्रोकरेज हाउस ने की है, और उनका कहना है कि 31st का जो कट ऑफ डेट है उसके बाद में 13 फरवरी को नई लिस्ट जारी की जाएगी, अनाउंसमेंट होगी, और उसमें इरेडा का शेयर आने की काफ़ी बड़ी चांसेस है। और इरेडा का शेयर अगर आ गया तो इसमें कई मिलियन डॉलर्स का इन्फ्लो आएगा, शेयर्स में बाइंग होगी FII की ओर से, FPI की ओर से, जिसके कारण शेयर और भी तेज़ी से ऊपर जा सकता है। तो अगर आप होल्ड कर रहे हो तो कुछ दिन वेट कीजिए, MSCI के न्यूज़ का इंतज़ार कीजिए, जो कि इसमें शेयर, इस शेयर में और भी तेज़ी ला सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।